हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूशन टाइम मैथ्स। मैं दीपक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमने किया हुआ था स्टार्ट ऑलरेडी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था टेक्चुअल फॉर्म, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने ग्राफिकल फॉर्म, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने टेबुलेशन, दैट मींस टेबुलर फॉर्म। तो उसमें हमने हर एक को डिस्क्राइब किया था अच्छे से। आज हम क्या करेंगे, जो हमारा टेबुलेशन है दैट मींस टेबुलर फॉर्म है, उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि उसमें किस किस टाइप का टेबल होता है। That means, कहने का मतलब है कि हमने जो डेटा को रिप्रेजेंट किया था टेबुलर फॉर्म में, हम कितने तरीके के टेबल बना सकते हैं उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा टॉपिक? टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा टेबल, जो भी हमारे टेबल्स थे उसके टाइप्स पढ़ने, ठीक है। तो सबसे पहले जो टाइप होगा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, डेटा का ऑब्जेक्टिव बेस, जो भी हमारा डेटा दिया गया है उसके ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम उस टेबल को क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो एंट्री है, जनरल पर्पस आर रेफरेंस टेबल, जनरल पर्पस टेबल या रेफरेंस टेबल कहा जाता है इसको, ठीक। इस टेबल में हम क्या करते हैं, हम एक ही टाइप के करैक्टरिस्टिक्स वाली एंट्री को लेते हैं, सिंगल टाइप। क्या लिखा, इट इज दैट टाइप विच इज टेकन एज जनरल यूज, हम इसे जनरल यूज के लिए लेते हैं। जनरल यूज मतलब जनरली यूज जो टेबल किया जाता है सिंपल मेथड में, वो हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होगा, जनरल टेबल होगा, जनरली यूज किया जाएगा, ठीक। ये पहली बात याद रखेंगे आप, इस पे एमसीक्यू आ सकता है आपका कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, जनरली यूज किया जाएगा, एक जनरल टेबल बनाया जाएगा। जनरल टेबल जैसे कि अगर हम बनाएं कि हमने एक टेबल बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स लेंगे सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज बताएंगे उन्होंने कितने मार्क्स लिए, बस सिंपल। हमने कोई स्पेसिफिक किसी बच्चे का नहीं लिया, हमने एक जनरल क्लास के स्टूडेंट्स का लिया कि हमारे 10th क्लास में इतने बच्चे हैं, 11th में इतने हैं, 12th में इतने हैं, हमने उनकी एक लिस्ट बनाई, हमने सिंपली उनके आगे से उनकी पास परसेंटेज वगैरह लिख दी, ठीक है। तो दूसरा जो है स्पेसिफिक पर्पस आर समरी टेबल, देखो स्पेसिफिक पर्पस नाम से ही आपको पता चल गया होगा, एक स्पेसिफिक है, किसी एक पर्टिकुलर की बात हो रही है। इट इज दैट टेबल विच इज प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, जब हमारे दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा उसके लिए हम ये टेबल बनाएंगे। जैसे कि हमने एक टेबल बनाना है जिसमें हमने BA, BSc और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे कॉलेज लेवल पे, उनकी डेट शीट को सेट करना है, ठीक है। तो उसमें हम उसी तरीके से मेंशन करेंगे चीज़ों को जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट होगी, और स्पेसिफिक मतलब एक कॉलम में अगर हम रख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, दूसरे कॉलम में हम रख रहे हैं उनके टाइम कब है,
तीसरे में रख रहे हैं हम उनकी डेट कब है, ठीक है, उस तरीके से हर एक का इंडिविजुअली रिकॉर्ड होगा। ये था हमारे दो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के बेस पे ये दो थे। आप याद रखेंगे इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा टेबल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो क्या क्या होते हैं, जनरल पर्पस बोल सकते हैं, रेफरेंस टेबल बोल सकते हैं, स्पेशल टेबल बोल सकते हैं या समरी टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। सेकंड है हमारा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंक्वायरी। अब हमने जो डेटा लिया उसको किस तरीके से हमने इंक्वायरी की है, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, वो कहां से लिया गया है, उसका ओरिजिन क्या है। उस बेस पे एक होता है ओरिजिनल, दूसरा ओरिजिनल प्राइमरी, इसको बोलते हैं ओरिजिनल टेबल या प्राइमरी टेबल। अब ओरिजिनल टेबल का मतलब क्या है कि हमने कुछ डेटा क्या किया है, हमने कोई डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, कलेक्ट करने का उसको वेरीफाई किया है, वेरीफाई करने के बाद उसको एनालाइज वगैरह जो भी हम कर रहे हैं, तो उसके बाद हम उस डेटा को प्लॉट कर रहे हैं, इस पे एक टेबल बना रहे हैं। तो ओरिजिनल टेबल क्या होगा, हमने क्या किया, हमने कोई इंफॉर्मेशन ली, जिस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन ली उसी तरीके से टेबल पे पुटअप कर दी, समझना बात को, जिस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन ली उसी तरीके से हमने टेबल पे प्लॉट कर दी। जैसे कि हमने क्या किया, हमने किसी कुछ बच्चों का रिजल्ट रिकॉर्ड लिया, ठीक है, हमने उसमें क्या किया, हमने जैसे जैसे बच्चों को नंबर आए थे, 100 में से जितने भी आए थे, जैसे 80 out of 100, 60 out of 100, 70 out of 100, हमने वही लिखा, ठीक है। तो जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वैसे हमने टेबल में लिख दी, तो वो हो गया ओरिजिनल टेबल, समझना बात को। इट इज दैट टेबल इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड। जैसे हम उसको कलेक्ट करते हैं वैसे ही हम उस टेबल में उसको पुटअप कर देंगे, ठीक है, बात समझाई। दूसरी है हमारे पास डिराइव्ड आर डेरिवेटिव टेबल। अब डिराइव एंड डेरिवेटिव टेबल में आपको क्या करना है, जो आपको इंफॉर्मेशन मिली उसको कन्वर्ट करना है, या तो हम उसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे या तो हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम उसको टेबल पे प्लॉट करेंगे। जैसे अभी हमारे पास क्या आए थे, हमारे पास नंबर आए थे 70 out of 100, 80 out of 100, 90 out of 100, कुछ भी आए थे, किसी भी बच्चे के मार्क्स की डिटेल बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे, हम परसेंटेज फिगर बताएंगे उसकी, कि इस बच्चे को फिजिक्स में 90% आए, इस बच्चे को केमिस्ट्री में 67% आए, इस बच्चे को मैथमेटिक्स में 98% आए। उसी तरीके से हम प्लॉट करेंगे, हम क्या करेंगे उसके जनरल फिगर को कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, तो फिर जाके प्लॉट करेंगे। क्या बोल रहा है, इट इज दैट टाइप ऑफ टेबल इन विच डेटा इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशो या परसेंटेज, या तो रेशो में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में, एंड देन प्रेजेंट्स, तो उसके बाद हमें उसको प्रेजेंट करना है, बात समझ आई। अब ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है कि बेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी, बेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी पे जो है टेबल जो होते हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन आ सकता है आपको जनरल पर्पस, रेफरेंस टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल और ओरिजिनल टेबल, तो आप क्या लिखेंगे, ओरिजिनल टेबल, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन कवरेज। अब कवरेज की बेस पे हमने जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है उसकी कवरेज की बेस पे, उसकी कवरेज की हमने किस तरह से कवर किया गया है, कवर किया है उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो इसमें पहला होगा सिंपल टेबल और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल क्या होगा कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है उसको प्लॉट कर देंगे हम टेबल में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जब हम बेस्ड ऑन कवरेज के दो टाइप में डिवाइड कर देंगे, अगर हम सिंपल टेबल बना देंगे उसका, तो क्या होगा कि उसमें जो भी एनालिसिस करना होगा वो करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में फर्दर डिवीजन, डबल आर टू वे टेबल, थ्री वे टेबल आर हायर ऑर्डर टेबल, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि हमें इनको डिस्क्राइब करने की उतनी जरूरत नहीं है कि ये क्या है, फिर भी
फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको इसके इनकी डेफिनेशंस, इनके पर्पस और इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी नीड क्यों पड़ी और ये प्लॉट कैसे करने वो मैं आपको अगली वाली वीडियो में करवा दूंगा। तो आप याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव आ सकता है बेस्ड ऑन कवरेज, कवरेज की बेस पे कौन से टाइप का, या आपको पूछेंगे हायर ऑर्डर टेबल जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, कवरेज में, ओरिजिनलिटी पे या तो ऑब्जेक्टिव बेस पे। तो आप यार आपको पता है आप इस पे लिखेंगे कवरेज पे, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ डेटा टेबल। तो नेक्स्ट वीडियो में एक तो हम इसके जो टाइप्स दिए हैं इसको एलोबरेट करेंगे और उसके बाद इसके एमसीक्यूज करेंगे और ये चैप्टर क्लोज, उसके बाद जो आगे वाला होगा वो हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।